हेलो दोस्तों, मेरा नाम डैनिश है और मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आपने अपने लैपटॉप या पीसी पर अपना पासवर्ड रखा हुआ है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम सबसे पहले कंट्रोल पैनल पर जाएंगे और चेंज अकाउंट टाइप पर जाएंगे और अपने अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ से चेंज द पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पर आपने जो अपना पुराना पासवर्ड रखा हुआ है वो एंटर करेंगे और यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड चूज़ कर लेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना ये बिना पुराना पासवर्ड डाल ले आप सीधा डायरेक्ट न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं, तो आप अगर आपको जानना है तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना पुराना पासवर्ड एंटर करें डायरेक्ट ही अपना न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड का लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसके मजाक कर रहे हैं उसके साथ, तो आप इस तरह से उसके साथ मजाक कर सकते हैं। और मान लीजिए कभी कभार आपने आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव का पासवर्ड चेंज करना है, चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे CMD। तो सबसे पहले और दोस्तों, हमको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ये क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी, इस पर आएगा हमारे ये कमांड प्रॉम्प्ट। दोस्तों, हम इस पर लिखेंगे यूज़र, सॉरी नेट यूज़र। जैसे हम लिख देंगे दोस्तों, हमको इसको एंटर कर देना है। दोस्तों, आप देखें कि हमारे यहाँ पर जो लैपटॉप है मेरा, उसके अंदर कितने मेरे अकाउंट है। बड़े दोस्तों, मेरे एक ही अकाउंट है जो है डेनिश नाम का, एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपना पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो आपने फिर से लिखना है नेट यूज़र और जो दोस्तों अपने अकाउंट का नेम लिखा हुआ है वो आपने एंटर करना है। मेरा अकाउंट का नेम है डैनिश, जो लैपटॉप में है मैं वो एंटर कर दूंगा। मैं लिख दे डैनिश और आप दोस्तों अपने जो नया पासवर्ड लिखना है आपने वो यहाँ पर डालना है, जो अपने नया पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे मेरा पहले पासवर्ड है बड़ा Danish001, तो दोस्तों अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर डैनिश या 100 लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर। दोस्तों, अब मेरा यह पासवर्ड मैं एंटर कर दूंगा, मेरा ये पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। दोस्तों, जब मैं अपना लैपटॉप ऑन करूँगा तो मेरा ये पासवर्ड एंटर करूँगा तो मेरा ये वो मेरा लैपटॉप ऑन हो जाएगा। अगर मैं पुराने वाला पासवर्ड डालूँगा मेरा Danish001, तो मेरा लैपटॉप ऑन नहीं होगा क्योंकि मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स।